नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। सीएम नीतीश बोले, अमित शाह की बातों को नहीं करता नोटिस, पूछा कौन दरवाजा है। अमित शाह पर बरसे तेजस्वी यादव, बोले ये बिहार की जनता है, उल्टा लटकाने वालों को सीधा कर देगी। नीतीश कुमार का बड़ा खुलासा, बोले ओवैसी ने मांगा था मिलने का समय, मैंने मना कर दिया। अमित शाह के उल्टा लटका कर सीधा कर देने वाले बयान पर बोली राबड़ी देवी, वो खुद उल्टा हो जाएंगे। सम्राट चौधरी का सीएम पर हमला, बोले नीतीश सरकार पर चले हत्या का मुकदमा। ओवैसी का सीएम नीतीश पर पलटवार, बोले बीजेपी के साथ रहकर मलाई खाए आप और एजेंट हो गए हम। विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन भी रहा हंगामेदार, मार्शल ने बीजेपी विधायक को उठाकर बाहर निकाला। प्रशांत किशोर बोले, तेजस्वी यादव ने कौन बाजीगरी या डिग्री हासिल की है जिससे चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे मनाने के लिए पैसा आ रहा। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल, 2 वाहन क्षतिग्रस्त। पूर्णिया से दरभंगा जा रही बस हादसे का शिकार, 1.5 दर्जन यात्री घायल। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा को साजिश करार किया। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य में सब शांति है, जानबूझकर हिंसा कराई गई थी और इसमें प्रशासन की कोई विफलता नहीं है। सीएम नीतीश ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर साजिश करके तनाव फैलाना चाहते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अमित शाह के उल्टा लटका कर सीधा करने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि मेरी नजर हर जगह है। भूलना नहीं चाहिए कि 2017 में जब मैं महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ गया था, तब एक बड़े नेता के बेटे को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। तो वहीं अमित शाह के नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए एनडीए के दरवाजे बंद होने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वो उनकी बातों को नोटिस नहीं लेते, और साथ ही उनका कौन सा दरवाजा है, उनका कोई दरवाजा नहीं है। सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि हिंसा करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही वहीं उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार को टारगेट किया जा रहा है। पहले बिहार को तमिलनाडु से लड़ाने का प्रयास किया गया और उसमें असफल होने पर दंगे कराए गए। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि नवादा में दिए अमित शाह के उल्टा लटका कर सीधा कर देने वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ये बिहार की जनता है, उल्टा लटकाने वालों को सीधा कर देगी। तो वहीं बता दें कि तेजस्वी यादव ने अमित शाह से सवाल किया कि शाह को बताना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग गुजरात से आते हैं और अलग अलग प्रवचन देते हैं, यह बिहार है, महात्मा बुद्ध की धरती है और साथ ही लालू नीतीश जी की धरती है, यहाँ किसी भी दंगाई को बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीएम नीतीश ने बुधवार को AIMIM सुप्रीमो अजुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया। सीएम ने कहा कि जिन पार्टियों की बड़ी संख्या में सांसद है उनसे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी का न्यूज छपता है, देश में कहां के रहने वाले हैं और कहां न्यूज छपता है उनका बिहार में कुछ नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत पहले जब हम अलग हुए थे तब ओवैसी हमसे मिलना चाहते थे तो हमने मना कर दिया था। वहीं सुशील मोदी के इफ्तार वाले बयान पर नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी को बोलना ही है, नहीं बोलेंगे तो उनको पार्टी से ही निकाल दिया जाएगा। सासाराम और नालंदा हिंसा पर नवादा में दिए गए अमित शाह के बयान को उल्टा लटका कर सीधा कर देने वाले बयान पर राबड़ी देवी ने पलटवार करते हुए कहा कि वो खुद उल्टा हो जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी दंगा कराने वाली पार्टी है और साथ ही खुद दंगा करवाते हैं और फिर खुद ही हल्ला भी करना चाहते हैं। RSS और बीजेपी के आदमी पूरे देश में दंगा करवा रहे हैं और सरकार दंगों की जाँच करवाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुधवार को बिहार हिंसा को नीतीश कुमार के कुछ लोगों की ओर से जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश बताई गई। आपको बता दें कि जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के ऊपर किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं, अगर सरकार इस घटना की पूरी तरह से निष्पक्ष जाँच करवाना चाहती है तो पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इन्वेस्टिगेशन कराए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने महागठबंधन की सरकार को बेशरम करार करते हुए नीतीश कुमार को हत्यारा बताया और उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बिहार शरीफ और सासाराम में हुई 2 लोगों की हत्या का जुर्म नीतीश सरकार पर चलना चाहिए। बुधवार को नीतीश कुमार द्वारा बी टीम और बीजेपी के एजेंट बताने पर अजुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में जिसने भाजपा को मजबूत किया वो हम पर सवाल उठा रहे हैं, और साथ ही बिहार में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्व जुर्म
बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चाचा भतीजा समझ रहे हैं कि इफ्तार पार्टी से काम चला लिया जाएगा। तो वहीं मैंने नीतीश कुमार पर कुछ वाजिब सवाल उठाए। बिहार में हिंदुत्व तंजीमों ने जुलूस के नाम पर फसाद फैलाया और प्रशासन उन्हें रोकने में नाकाम रहा। नीतीश ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे एजेंट बुलाकर निकल गए और साथ ही एक आदमी जिसने भाजपा का दामन गुजरात 2002 के बावजूद भी नहीं छोड़ा, वो आज एजेंट की नोटरी चला रही है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन आज सासाराम और बिहार शरीफ हिंसा पर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीजेपी के विधायक सरकार से जवाब मांगने लगे और साथ ही हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर ने मार्शल बुलाकर बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को बाहर निकालने का आदेश दे दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में हंगामा करने लगे। साथ ही आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया। 27 फरवरी से लेकर 5 अप्रैल तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें हुई और साथ ही पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण के बाद विधिवत विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ था। जनसुराज पद यात्रा के दौरान सारण के छपरा में तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि आप एक बार आरजेडी के नेता से भी एक सवाल पूछे कि तेजस्वी यादव के पास चार्टर्ड प्लेन में जन्मदिन मनाने के लिए पैसा कहां से आता है, साथ ही तेजस्वी यादव कौन सा काम करते हैं, ऐसी कौन सी बाजीगरी या फिर डिग्री हासिल की है जो उनके पास इतना पैसा आ रहा है। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई पत्रकार उनसे ये सवाल नहीं करता है। जो लोग पूछता है कि प्रशांत किशोर के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, तो उनको बता दूं कि जिन राज्यों में मैंने काम किया है उनसे मदद मांग रहे हैं। हम चोरी नहीं कर रहे हैं और किसी को ना ही लूट रहे हैं। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब कारोबारियों ने हमला कर दिया। इस दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 2 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि घोसी थाना क्षेत्र के उवेर गांव में देसी शराब का कारोबार चल रहा है और इसी सूचना के आधार पर बुधवार की सुबह उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने के लिए वहां पहुंची। तभी 4 शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बता दें कि जैसे ही पुलिस शराब कारोबारी को अपने बाहर बैठा कर ले जाने लगी, तभी अचानक शराब कारोबारी के समर्थक ईंट पत्थर से पुलिस पर हमला कर दिया। बिहार के अररिया जिले के रेणु ग्राम में 4-लेन सड़क पर बुधवार की सुबह यात्रियों से भरी एक बस NH-57 पर खड़े एक ट्रक से जा भिड़ी। घटना के बाद बस यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गया। तो वहीं आपको बता दें कि 1.5 दर्जन लोग इस हादसे में जख्मी हो गए और घटना अररिया फारबिसगंज के बीच सिमराहा कॉलोनी के पास की है। समी ट्रेवल्स यात्रियों को पूर्णिया से दरभंगा लेकर जा रही थी। साथ ही आपको बता दें कि ट्रक से टकराने के बाद बस का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची NHI की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को प्राथमिक चिकित्सा हेतु एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।